टीवी इंडस्ट्री की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश हैं, जो नागिन 6 में प्रथा बनकर लोगों का दिल जीत रही हैं। हालांकि इनके ऑन स्क्रीन लवर बनने के लिए तो बॉलीवुड एक्टर भी तड़पते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश का लवर बनने के लिए टीवी के कुछ बददिमाग अभिनेता इनकार कर चुके हैं, जो अब पछता रहे हैं। तो आइए जानते हैं किन किन बदकिस्मत अभिनेताओं ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश का लवर ना बनकर। नंबर 1, पार्थ समथान। टीवी के अनुराग बासु यानी पार्थ समथान को नागिन 6 के मेकर्स ने अप्रोच किया था, लेकिन अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स की वजह से पार्थ समथान ने एकता कपूर को ठेंगा दिखा दिया था। नंबर 2, शहीर शेख। सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी जैसे सुपरहिट शो में धमाल मचा चुके टीवी एक्टर शहीर शेख का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। पर मेकर शहीर शेख को ऋषभ बनाना चाहते थे, हालांकि ऐसा नहीं हो सका। मगर शहीर शेख ने किस वजह से नागिन 6 को ठुकराया, ये बात कोई नहीं जानता। नंबर 3, विक्रम सिंह चौहान। सीरियल ये जादू है जिनका में काम कर चुके टीवी एक्टर विक्रम सिंह चौहान को भी ऋषभ बनने का मौका मिला था, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से विक्रम सिंह चौहान ने नागिन 6 को ठुकरा दिया था। बता दें कि चंद महीनों पहले ही टीवी के इस स्टार ने शादी की है। नंबर 4, सिद्धांत गुप्ता। टीवी एक्टर सिद्धांत गुप्ता को भी एकता कपूर के शो नागिन 6 में काम करने का ऑफर मिला था, लेकिन सिद्धांत गुप्ता ने नागिन 6 का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि अब तक भी सिद्धांत गुप्ता के इनकार की वजह सामने नहीं आई है। नंबर 5, शक्ति अरोड़ा। सीरियल सिलसिला बदलते रिश्तों का में काम कर चुके टीवी एक्टर शक्ति अरोड़ा को नागिन 6 के मेकर्स ने अप्रोच किया था। शक्ति अरोड़ा ने नागिन 6 में काम करने से केवल इसलिए मना किया क्योंकि वो शो की कहानी ही नहीं समझ पाए। शक्ति अरोड़ा को लगा कि ऋषभ का किरदार उनके लिए नहीं है। नंबर 6, सिम्बा नागपाल। इन सब सितारों के रिजेक्शन के बाद मेकर्स ने बिग बॉस 15 और शक्ति में काम कर चुके एक्टर सिम्बा नागपाल को ऋषभ का किरदार ऑफर किया। सिम्बा नागपाल ने बिना देर किए ऋषभ के रोल के लिए हामी भर दी। सिम्बा नागपाल को नागिन 6 में काफी पसंद किया जा रहा है। नागिन 6 के लिए सिम्बा नागपाल अब परफेक्ट च्वाइस साबित हुए हैं। तो दोस्तों, इन सभी अभिनेताओं में से किसे तेजस्वी के साथ रोमांस कर लेना चाहिए था, आप अपना जवाब हमें कमेंट करके बताएं। और इसी तरह की तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।